हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका खाता SBI बैंक में है तो आप अपने बैंक में आधार कार्ड से UPI पिन कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड से UPI पिन बनाने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और वीडियो में मैं आप सबको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि SBI बैंक में आधार कार्ड से UPI पिन कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको SBI बैंक में आधार कार्ड से UPI पिन बनाने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में, भीम UPI एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। प्ले स्टोर से जा करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो इस पर अपना मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन आप उसी मोबाइल नंबर से कीजिएगा जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में भी लिंक रहेगा, और उसके बाद आप एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा। और दोस्तों, जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर देख सकते हैं मेरा एयरटेल पेमेंट्स बैंक ऐड है, तो मैं अपने बैंक के ऊपर क्लिक करूंगा। और दोस्तों, जैसे ही मैंने अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ऊपर क्लिक किया तो देख सकते हैं मेरा और भी बैंक अकाउंट ऐड है जो कि मुझे दिख रहा है, तो मेरा SBI बैंक भी ऐड है। तो मैं आपको बताऊंगा कि SBI बैंक में आपको आधार कार्ड से UPI पिन कैसे बनाना है। अगर आपका SBI बैंक ऐड नहीं होगा तो नीचे आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, आप इस प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लीजिएगा। तो मैं अपने बैंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा फॉरगॉट UPI पिन का। अब दोस्तों, फॉरगॉट UPI पिन का ऑप्शन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेट UPI पिन का। अब इन दोनों में क्या अंतर है? फॉरगॉट UPI पिन का ऑप्शन आपको तब दिखेगा जब आप पहले से कोई UPI पिन बनाए होंगे। अगर आपका पहले से कोई UPI पिन नहीं बना है, पहली बार आप अपना UPI पिन बनाने जा रहे हैं, तो आपको सेट UPI पिन का ऑप्शन दिखेगा। तो आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं फॉरगॉट UPI पिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और दोस्तों, जैसे ही मैंने फॉरगॉट UPI पिन के ऊपर क्लिक किया तो देख सकते हैं सेट UPI पिन वाले सेक्शन में मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं UPI पिन बनाने के, पहला डेबिट कार्ड का और दूसरा आधार नंबर का। तो मैं अपने आधार नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर मुझे दिख रहा है मेरे आधार कार्ड का लास्ट का 4 अंक डालने के लिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप अपने आधार कार्ड से UPI पिन बना सकते हैं SBI बैंक, बड़ौदा बैंक, किसी भी बैंक में, लेकिन उसके लिए आपका बैंक अकाउंट में और आधार कार्ड में दोनों जगह सेम मोबाइल नंबर रहना चाहिए, तभी आप अपने UPI पिन बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका अलग अलग मोबाइल नंबर है तो आपको उसको चेंज करवा लेना है, उसके बाद ही आप अपना UPI पिन बना सकते हैं अपने आधार कार्ड से। तो दोस्तों, इस तरह से अगर SBI बैंक में आपको आधार कार्ड से UPI पिन बनाना है तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि चैनल से जुड़ी कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।